स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल फ्रोलिक स्टेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, फ्रोलिक स्टेज आज आपके लिए लेके आया है गुड़ के शक्करपारे यानी कि गुड़ के खुरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं। कुछ टिप्स एंड टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये खुरमे जो है बिल्कुल बिना टूटे हुए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा किलो मैदा। उसमें हम डालेंगे घी। घी आप चाहें तो वनस्पति घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो मैदे में आधा किलो ही हम लेंगे गुड़ और एक चम्मच हम लेंगे सौंफ। बहुत कम सामान से ये बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तीन टेबल स्पून घी पूरा ही इसमें चला गया है। मान जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए, वरना जो हमारे शक्करपारे या गुड़पारे आप इसे जो भी कहें ये खस्ता नहीं बनेंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो हमने इसमें अच्छे से घी को मिक्स करना है। अब ये देखिए आप इस तरीके से मुट्ठी बन रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अभी भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंथ लेंगे। हमें आटा जो है वो बिल्कुल सख्त गूंथना है। तकरीबन 3/4 कप जितना इसमें पानी यूज़ हुआ है। पानी को आप जब भी डालें बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बस इससे ज़्यादा अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसको जैसे जैसे हम नी करेंगे ये अपने आप से परफेक्ट बन जाएगा। आटा जो है ये गूंथ गया है, बस जब प्रॉपर ये बाइंड हो जाए इसे हम छोड़ देंगे। अब हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल, कोई भी आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है उसमें स्मेल ना हो। इस आटे को हमने रखना नहीं है, साथ के साथ ही हम इसमें खुरमे बनाएंगे। और आधा किलो मैदे को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया, बहुत ज़्यादा हमने इसके पोर्शन नहीं बनाने हैं, हमें ये मोटा ही चाहिए। इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हम पतला नहीं करेंगे, एक मोटा रोल की तरह ही हम इसे बनाएंगे और इसे कट करेंगे। कट जो करना है वो आप अपनी पसंद के अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ऑयल में थोड़ा सा मैदा डाल के चेक कर लेते हैं, बस हमें इसे ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं चाहिए। अब हम इसमें खुरमे डालते जाते हैं। लो और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये बैच जो है वो फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी खुरमों को भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए हमें फ्लेम को लो और मीडियम ही रखना है, तेज आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। हमारा ये बैच तैयार हो गया है, इंडक्शन को हम बंद कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे।
फ्रेंड्स अब टिप ये है कि हमें अब तुरंत ही चाशनी नहीं बनानी है, कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आपने अगर पूरा ध्यान दिया है वीडियो में तो हमने आटे को गूंथा है, आटे को गूंथने के बाद हमने आटे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है, तुरंत ही हमने आटे को बेला है, साथ ही साथ हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल वगैरह गर्म किया और बना के इसको तैयार कर लिया है। अब इस केस में जब हम यहाँ पे इसको थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो ये अंदर तक पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे, और जब पूरी तरह से ये अंदर तक ठंडे हो जाएंगे तो हम इस पे जब गुड़ की कोटिंग करेंगे या कोई भी आप इस पे कोटिंग करते हैं तो वो ये टूटने का जो डर है वो कम रहेगा, जो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं मिक्स करते हुए वो नहीं रहेगा। तो हम इसे अब इस टाइम पे 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अंदर तक पूरी तरह से कूल हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम गुड़ को मेल्ट करके इसकी चाशनी बनाएंगे। गुड़ को लेते हुए आपने गुड़ को थोड़ा तोड़ देना है, मैंने भी इसे तोड़ रखा है, इससे जो है गुड़ जल्दी मेल्ट होता है। अब मैं इसमें डालूंगी बहुत थोड़ा सा पानी, ज़्यादा हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमने गुड़ को मेल्ट करना है। आप देख रहे होंगे गुड़ जो है ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है, थोड़े बहुत पीसीज इसमें रह गए हैं, दबा के हमने इसे भी तोड़ना है। हमें इसमें कोई भी चाशनी नहीं चाहिए, ना एक तार की ना दो तार की, कोई चाशनी नहीं, सिर्फ हमने पानी का ध्यान रखना है, पानी है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुड़ को मेल्ट करने जितना ही हमने पानी लेना है। और सिर्फ जब तक कि ये पूरी तरह से मेल्ट होके एक उबाल ना आ जाए हमें उतना इसे पकाना है, ओवर कुक हमने इसे नहीं करना है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी गिल्टी नहीं है, सारा गुड़ जो है वो प्रॉपर मेल्ट हो गया है। तो हम इंडक्शन को कर देंगे बिल्कुल बंद। अब हम खुरमे लेंगे, मैं आपको एक खुरमा तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर तक पूरा पक गया है क्योंकि हमने इसको लो और मीडियम फ्लेम पे पकाया था, और 10 मिनट का जो रेस्ट दिया है ये अंदर तक पूरा ठंडा भी हो गया है। गर्मियों में हो सकता है 20 से 25 मिनट लग जाए, लेकिन जब अभी विंटर का जैसे सीजन शुरू हो रहा है तो 10 मिनट का रेस्ट काफ़ी है। अब जो गुड़ है वो हमने चलनी स्ट्रेनर रख के उसके ऊपर से डालना है, और हिलाना नहीं है बिल्कुल नीचे, कई बार गुड़ में हल्का फुल्का रेत रहता है, जो भी डस्ट रहेगा वो कढ़ाई में रह जाएगा। बस बिल्कुल नीचे का हमने बिल्कुल थोड़ा सा जो है पोर्शन वो छोड़ देना है, हल्के हल्के हाथ से हमने इसे चलाना है, टाइट हाथ हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे वरना ये जो हमारे खुरमे हैं ये टूट सकते हैं। एक बार जब आप कोटिंग कर लेंगे, आप चाहें तो खुरमे को ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर आप सौंफ का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसमें इस स्टेज पे जब आपने एक कोटिंग कंप्लीट कर ली हो तब आप इसमें सौंफ डालेंगे। मेरे पास आज यहाँ बारीक वाली सौंफ है तो मैं बारीक सौंफ यूज़ कर रही हूँ, वैसे जो खुरमे में लगाई जाती है वो सौंफ मोटी रहती है, ये माउथ फ्रेशनर में यूज़ होने वाली सौंफ है तो मैंने इसी का यूज़ किया है। हमने इसको हल्के हल्के हाथ से तब तक चलाना है जब तक कि पूरा गुड़ जो है वो सेटल ना होने लगे। बस ध्यान यही रखना है, जैसे देखिए थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो ये खुरमा जो है टूट गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, थोड़ा संभल के ही इसे चलाना है। अब इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे। हमारे जो ये खुरमे हैं अब पूरी तरह से सेटल हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने बहुत ध्यान से इस तरीके से एक एक खुरमे को अलग करना है।
मैं आपको एक खुरमा तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देखिए कितना टेस्टी, कितना यमी बना है, पूरा अंदर से पक गया है और बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी ये खुरमा बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस खुरमे को ज़रूर से बनाइएगा। बनाने के बाद अपनी फीडबैक देखना हमें बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।